हेलो एवरीवन, माय नेम इज त्रिवेश एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझसे पूछा है एज के यूजेस के बारे में, जैसे एज लॉन्ग एज मच एज फार एज। सो इस तरह के मैं आपके लिए 7 यूजेस लेकर आया हूँ कि आप इनको कैसे यूज़ कर सकते हैं और क्या उनका मतलब होता है। एग्जाम्पल की हेल्प से मैं बिल्कुल क्लियर करने वाला हूँ उन सब चीज़ों को। सो शुरू से लेकर एंड तक बने रहिए और वीडियो स्किप मत कीजिए, कहीं बीच में कोई इन्फॉर्मेशन हो वो आपसे मिस हो जाए, फिर आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब पहला जो यूज है ये है एज मच एज या एज मैनी एज। दोनों का मतलब होता है जितना, जितनी, जितने, उस तरीके का इसका मतलब होता है। ठीक है, दोनों में एक छोटा सा फर्क है। जहां पे हम बात करते हैं मच की, ठीक है, तो मच का हम यूज तब करते हैं कहीं पे अनकाउंटेबल चीजें हों, मतलब उनको गिना नहीं जा सके। ठीक है, जैसे पानी है। अब मान लीजिए कि आपसे किसी ने बोला यार पानी देना, सो मैं पूछूंगा हाउ मच, कितना पानी। ठीक है, क्योंकि उसको काउंट नहीं कर सकते। अब किसी ने बोला पानी की बोतल देना, सो वो काउंट की जा सकती है। सो हाउ मैनी बोटल्स, हाउ मच बोटल्स नहीं बोलेंगे और हाउ मैनी वाटर नहीं बोल सकते। हाउ मैनी वाटर क्या होता है, पानी को हम गिन ही नहीं सकते ना। ठीक है, सो वो ऐसी चीज जैसे पानी हुआ, खाना हुआ, हवा हुई, ठीक है, गर्मी हुई, ये चीजें जो है जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, ये मच में आती है। जिन चीजों को हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है, जैसे पानी की बोतल हो गई, ग्लास हो गए, घर हो गए, शहर हो गए, इन ये चीजें काउंट की जा सकती हैं। ठीक है, तो ये है मैनी। ठीक है, ये चीजें मैनी में आती हैं। सो जैसे यहाँ पे मैंने बोला कि हाउ मच, जैसे एज मच एज और एज मैनी एज। सो एज मच एज का मतलब जितना, जितनी, जितने, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, और एज मैनी एज जितना, जितनी, जितने, जिनको हम काउंट कर सकते हैं। तो अब मैं एग्जाम्पल की हेल्प से आपको समझाता हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि जितना खाना वो खाता है या फिर जितना खाना वो अकेला खाता है, जैसे हम बोलते हैं ना ये कि जितना पानी वो पीता है, जितना खाना वो खाता है, सो ये चीजें काउंट नहीं की जा सकती। ठीक है, सो एज मच एज फूड ही ईट्स, कि जितना खाना वो खाता है, एज मच एज फूड ही ईट्स, कि जितना खाना वो खाता है। मैं बोलूं कि एज मच एज लाउडर यू कैन शाउट, कि जितना हो सके, जितना जोर से हो सके, उतना जोर से चिल्लाओ। ठीक है, सो चिल्लाने को भी हम काउंट नहीं कर सकते। सो एज मच एज लाउडर, कि जितना जोर से हो सके। ठीक है, तो ऐसे चीजों में एज मच एज यूज होता है। अब मैं आपको बताता हूँ एज मैनी एज। ठीक है, तो ये चीज एज मैनी एज का मतलब हो गया जहां पे हम कोई भी चीज काउंट कर सकते हैं, जहां पे कोई भी चीज हम काउंट कर सकते हैं। और ये मैंने बोला कि यार जितनी पानी की बोतल तुम पीते हो, ठीक है, जितनी पानी की बोतल तुम पीते हो, एज मैनी एज वाटर बोतल यू ड्रिंक। ठीक है, एज मैनी एज, क्योंकि वाटर बोटल्स क्या है, पानी की जो बोतलें हैं उनको हम काउंट कर सकते हैं, वो गिनी जा सकती है। सो एज मैनी एज वाटर बोटल यू ड्रिंक, कि जितनी पानी की बोतल तुम पीते हो। सो एज मच एज हुआ जहाँ पे हम चीजों को काउंट नहीं कर सकते, एज मैनी एज जिनको हम काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट बताता हूँ। अब नेक्स्ट ये जो है ये बहुत ज्यादा यूज किया जाता है एज फार एज। एज फार एज, एज फार एज का अगर मैं वैसे मतलब बताऊँ जहां तक, ठीक है, जहां तक। अब हम हिंदी में हम कैसे बात करते हैं कि जहां तक मुझे लगता है, या फिर मैं अगर ये बोलूँ कि जहां तक मैं समझता हूँ वो एक अच्छा इंसान नहीं है, जहां तक मैं समझता हूँ वो एक अच्छा इंसान नहीं है। As far as I understand, he is not a good person. As far as I understand, he is not a good person. जहां तक मैं समझता हूँ वो एक अच्छा इंसान नहीं है। As far as I understand, he is a good person. जहां तक मैं समझता हूँ वो एक अच्छा इंसान है। ऐसे हम बोलेंगे, ठीक है। कई बार जैसे इंटरव्यू में या फिर आपने अगर किसी का रिज्यूमे या सेल्फ इंट्रोडक्शन देखा हो, सो उसमें भी वो इस चीज को यूज करते हैं, एज फार एज माई हॉबीज आर कंसर्न, कि जहां तक बात है मेरी आदतों की, जहां तक बात है मेरे शौक की। ठीक है, तो इस तरह से हम बात करेंगे, एज फार एज माई फैमिली बैकग्राउंड इज कंसर्न, जहां तक बात है मेरे फैमिली बैकग्राउंड की। सो एज फार एज को हम यूज करते हैं जहां तक मुझे लगता है, जहां तक मैं सोचता हूँ, जहां तक मैं समझता हूँ, ऐसे सिचुएशन में। एज फार एज आई थिंक, एज फार एज आई अंडरस्टैंड, हम इस तरीके से यूज करेंगे। नेक्स्ट यूज देखते हैं। अब थर्ड जो यूज है ये है एज वेल एज। ये भी चीज बहुत कॉमन है, एज वेल एज। ठीक है, कि ये चीज ना काफी आपको सुनने को मिलती रहेगी कि एज वेल एज का लोग यूज करते हैं, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, इसका मतलब ना एंड, ए एन डी जो एंड होता है उससे काफी मिलेगा, कि टिपिकल इसका मतलब और, ठीक है, और, या फिर के अलावा। ठीक है,
तो मतलब मैं अगर आपको एक चीज़ समझाने की कोशिश करूँ तो इसके साथ ही साथ कि अगर मैं किसी एक चीज़ की बात कर रहा हूँ उसके साथ ही साथ मैं दूसरी चीज़ की भी बात कर रहा हूँ, सो वहाँ पे एज वेल एज का यूज़ होता है। एग्जाम्पल की हेल्प से आपको समझाता हूँ। पहले आप इतना समझ लीजिए कि कहीं एक चीज़ की बात चल रही है उसी के साथ ही साथ मैं दूसरी चीज़ की बात कर रहा हूँ, उस वाले सेंस में एज वेल एज का यूज़ होगा। एग्जाम्पल बताता हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि मैं बाइक और गाड़ी चला सकता हूँ, सो आई कैन ड्राइव अ कार एज वेल एज अ बाइक। ठीक है, मैं बाइक और गाड़ी चला सकता हूँ, ठीक है, सो आई कैन ड्राइव अ कार एज वेल एज अ बाइक, कि मैं बाइक भी और गाड़ी भी मैं दोनों चला सकता हूँ। अगर मैं लैंग्वेज की बात करूँ कि मैं हिंदी और इंग्लिश बोल सकता हूँ, मैं हिंदी और इंग्लिश भाषाएं बोल सकता हूँ, सो आई कैन स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज एज वेल एज हिंदी। ठीक है, तो इसके साथ ही साथ वो वाला सेंस आ रहा है। आप एंड भी लगा सकते हो, लेकिन हर जगह आप एंड लगाते रहो वो चीज़ ठीक नहीं है। थोड़ा इसको अच्छा भी साउंड करेगा, थोड़ा लगेगा कि हाँ ठीक है आपको कुछ और भी एक्स्ट्रा आता है इसके अलावा। ठीक है, दिस विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस एज वेल एज, साथ ही साथ ही आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करेगा। ठीक है, कि आपको अच्छा स्पीकर तो बनाएगा ही बनाएगा, आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करेगा। तो इस तरह से हम एज वेल एज को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट बताता हूँ, अब देखिए फोर्थ में ना मैं आपको एक अच्छा काफ़ी अच्छा यूज़ बताने वाला हूँ। इसमें क्या होता है, किसी भी चीज़ की, किसी भी इंसान की या फिर किसी भी चीज़ की भी अगर आप कोई क्वालिटी बता रहे हैं या फिर कोई कमी भी बता रहे हैं, ठीक है, या फिर कोई मतलब कंपैरिजन कर रहे हैं, चाहे वो कंपैरिजन में आप इक्वल बता रहे हैं कि बिल्कुल ऐसा है, या फिर आप उसकी क्वालिटी बता रहे हैं या फिर आप उसकी कमी बता रहे हैं, किसी भी चीज़ में कोई कंपेयर कर रहे हैं, सो वहाँ पे क्या बनेगा, एज प्लस फिर जो क्वालिटी है या फिर जो कमी है वो, फिर उसके बाद प्लस एज, फिर एज आएगा, फिर प्लस जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं, जो नाउन है जब जिस भी चीज से कंपेयर कर रहे हैं। अब मैं बोलूं एज एज फिट एज ऋतिक रोशन, कि मतलब ऋतिक रोशन की तरह फिट, ठीक है, एज फिट एज ऋतिक रोशन, तो यहां पे मैंने क्या किया, मैंने पहले एज लगाया, फिर जो क्वालिटी है, क्वालिटी क्या है, फिट, ठीक है, ये एक क्वालिटी है, सो मैंने फिट लगाई यहाँ पे क्वालिटी, फिर मैंने लगाया, फिर दोबारा एज लगाया, फिर मैंने ऋतिक रोशन लगाया कि ऋतिक रोशन, कि ऋतिक रोशन की तरह फिट, फिर एंड में कौन आया, नाउ, जिससे मैं कंपेयर कर रहा हूँ, मैं किससे कंपेयर कर रहा हूँ, क्वालिटी या फिर डिसक्वालिटी, मैं कंपेयर कर रहा हूँ ऋतिक रोशन से। तो मैं ऐसे इस चीज़ को इस तरीके से बताऊंगा, मैं बोलूँ कि यार कोयले की तरह काला, ठीक है, तो ये मैं किसी भी चीज़ के बारे में बोल रहा हूँ कि वो बिल्कुल काला है या फिर वो बिल्कुल काली है या फिर कोई भी चीज़ है, कि ब्लैक बोर्ड की बात कर रहा हूँ, आसमान की बात कर रहा हूँ मैं, कि आसमान एकदम कोयले की तरह काला हो गया, ठीक है, सो एज ब्लैक एज कोल, ठीक है, सो यहाँ पे जो क्वालिटी क्या है, काला, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ आसमान बिल्कुल कोयले की तरह काला हो गया, सो एज ब्लैक एज काला हो गया, किसकी तरह, किससे कंपेयर कर रहे हैं हम, कोयले से, एज ब्लैक एज कोल, ठीक, सो इस तरह से हम यूज़ करते हैं इसको। कमी बतानी हो, अच्छी चीज़ बतानी हो, बराबरी बतानी हो, हाथी की तरह मोटा, ठीक है, हाथी की तरह मोटा, एज फैट एज एलिफेंट, ठीक है, चीते की तरह तेज, एज फास्ट एज टाइगर, ये इस तरीके से चलता रहेगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट बताता हूँ, नेक्स्ट है एज सून एज, ठीक है, एज सून एज, अब एज सून एज पॉसिबल, इसको हम पूरा जो बनता है ना, बनता है एज सून एज पॉसिबल, इसको अब शॉर्ट फॉर्म में ASAP ये भी बोला जाता है, ASAP, एज सून एज पॉसिबल ASAP, तो इसका मतलब क्या होता है, जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी हो सके, ऑफिस में कॉर्पोरेट इसमें ऑफिस के काम में या फिर मेल्स में ये चीज़ बहुत यूज़ की जाती है, ASAP, वहाँ पे सिर्फ शॉर्ट में लिख देते हैं ASAP, ASAP, ठीक है, सो इसका मतलब होता है एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके। अब मैं किसी को बोलूँ यार कम होम एज सून एज पॉसिबल, कम होम का मतलब घर आ जाओ, तो हम इस तरह से बोल देते हैं, जैसे कोई मुझसे पूछे कि भाई कहाँ है तू, अब मैं बोलूँ आई एम होम, इसका मतलब ये नहीं है मैं घर हूँ, मतलब मैं घर पर हूँ, सो आई एम होम, लाइक हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, आई एम होम कि मैं घर हूँ, आई एम एट होम, आई एम इन माई रूम, ठीक है, आई एम स्कूल, ये भी बोल सकते हैं, मैं स्कूल में हूँ, आई एम स्कूल, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं स्कूल हूँ, मैं घर हूँ, नहीं, मैं घर पर हूँ, मैं स्कूल में हूँ, सो आई एम होम, इस तरह से बोल देते हैं। सो मैंने यहाँ पे क्या बोला, कम होम, घर आओ, कम होम एज सून एज पॉसिबल, कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी घर आओ, कम होम एज सून एज पॉसिबल। नेक्स्ट, अब यहाँ तो मैंने आपको बताया एज सून एज पॉसिबल, कि जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी, जितना संभव हो सके, ठीक है, जितनी जल्दी संभव हो सके, पॉसिबल मतलब संभव,
नेक्स्ट है, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ एज सून एज, सिर्फ पॉसिबल नहीं है उसमें, इसमें है एज सून एज। अब इसका क्या मतलब होता है, एज सून एज का मतलब होता है जैसे ही, ठीक है, जो हमारा सेंस आता है ना जैसे ही। अब मैं बोलूँ कि जैसे ही मैंने चीता देखा, जैसे ही मैंने चीता देखा, सो एज सून एज आई सॉ द टाइगर, ठीक है, जैसे ही मैंने गेट खोला, एज सून एज आई ओपन द डोर, जैसे ही मैं घर से बाहर आया, एज सून एज आई केम आउट ऑफ द हाउस, ठीक है। सो जैसे ही वाला सेंस लेकर चलेगा, सिर्फ एज सून एज। और अगर मैं इसका आगे लगा दूं एज सून एज पॉसिबल, तो जितना जल्दी हो सके, तो यहाँ पे वो वाला सेंस आ जाता है। नेक्स्ट बताता हूँ। अब लास्ट है एज लॉन्ग एज। अब एज लॉन्ग एज का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जब तक, एक जो सेंस लेकर चलता है ना, ये सेंस लेकर चलता है जब तक वाला, कि और जब तक वाला मतलब उसमें ना एक छोटी सी कंडीशन भी आ जाएगी कब तक, ठीक है, वो भी वहां पे आ जाएगी। ज्यादातर सिचुएशन में ऐसा होगा कि वहां पे एक छोटा सा ये कैच भी आ जाएगा कि कब तक। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो तुम यहां रह सकते हो जब तक तुम चाहो, ठीक है, जब तक तुम चाहो तुम यहां रह सकते हो। मैंने ये बोला कि जब तक तुम चाहो यहां रह सकते हो, सो यू कैन स्टे हेयर, यू कैन स्टे हेयर एज लॉन्ग एज यू वॉन्ट, कि जब तक तुम चाहो, ठीक है, जब तक मैं नहीं आता यहां से जाना मत, ठीक है। ये वाला जो जब तक है ये अलग है, ठीक है, ये अलग है, क्योंकि यहां पे हम अनटिल अनलेस का यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन जब एक हम बात करते हैं ना ऐसे फ्यूचर की, कि जब तक तुम चाहो तब तक तुम यहां रह सकते हो, सो यू कैन स्टे हेयर एज लॉन्ग एज यू वॉन्ट, जितनी देर तक चाहे, मतलब जितनी देर तक चाहे वाला जो सेंस आएगा यहां पे हम एज लॉन्ग एज का यूज करेंगे, कि जितनी देर तक चाहे तुम मुझे पढ़ा सकते हो, यू कैन टीच मी एज लॉन्ग एज यू वॉन्ट, जितनी देर तक चाहे तुम मुझे गाना सुना सकते हो, You can sing a song for me as long as you want, कि तुम मेरे लिए गाना गा सकते हो जितनी देर तक तुम चाहो। सो जितनी देर तक वाला जो सेंस है वो लेकर चलता है as long as में, जहां तक वाला है जब तक वाला, जो जब तक वाला एक सेंस आता है ना वहां पे आपको थोड़ा समझना होगा कि until unless कहां पे लगेगा, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। ज्यादातर वीडियोज में ये चीज बताई नहीं गई है, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको ये चीज खुद ही प्रैक्टिस से समझ में आएगी कि until unless कहां लगाने हैं, as long as कहां लगाना है, जितनी देर तक वाला सेंस कहां लेकर चलता है, जब तक वाला सेंस कहां लेकर चलता है, ठीक है। सो ये थे आज के यूजेस एज के बारे में, आई होप आपको समझ में आए होंगे। कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, सो आप कॉमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ लिखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।